लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी को नमस्कार। मैं जो सदन में 23 दिन जो सदन चला, ऐसा तो 33 दिन के सिटिंग्स थे, तो इस दौरान विपक्ष के नेता के नाते और कांग्रेस पार्टी के ओर से हमने किन किन मुद्दों पर अपने विचार सदन के सामने रखे, इसका एक पांच या दस मिनट में मैं कहूंगा। तो आप सभी को मालूम है कि सबसे अहम मुद्दा हमने सदन में उठाया वो प्राइस इन्फ्लेशन का, डीजल, पेट्रोल, गैस, केरोसिन, इनकी दामें जो हर हफ्ता हर दिन जो बढ़ रहे थे और बढ़ रहे हैं, लोग बहुत ही त्रस्त थे और आज भी परेशान हैं। इसीलिए लोगों के इस समस्या को सदन के सामने रखना, सरकार के सामने रखना और सारे देशवासियों को भी इसके बारे में मालूमात हो, इसीलिए हमने इस मुद्दे पे 2 दिन सदन में लड़ाई लड़ी। हमारे सारे प्रमुख नेतागण और खासकर सभी अपोजिशन पार्टी के फ्लोर लीडर्स को इकट्ठा करके, हमारे जयराम रमेश जी साहब चीफ व्हिप के नाते सबको इकट्ठा करने की कोशिश की और इकट्ठा हो गए, होकर हम इस विषय पे लड़े। लेकिन ये सरकार किसी चीज पे मानने को तैयार नहीं थी। हमने उनको बताया कि कम से कम 22 लाख से भी ज़्यादा इस 6 साल में उन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी और सेस के नाते पैसा जमा किया था, उसका हिसाब भी हमने पूछा, किस लिए खर्च किया, कौन से कार्यक्रम में खर्च किया, देश के कौन से योजनाओं में खर्च किया, लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं था। और पेट्रोल डीजल गरीबों के लिए जो केरोसिन का इस्तेमाल होता है और महिलाओं के लिए कुकिंग गैस, जिसकी प्रचार उन्होंने बहुत ली, उज्ज्वला स्कीम, लोगों को तो अंधेरे में रखा लेकिन स्कीम का नाम वैसा ही रहा, उज्ज्वला। तो वो कुछ उसके बारे में कहना नहीं कहे और आखिरी में हमने ये सोचा कि सदन में और चर्चा करेंगे। तो दूसरा मुद्दा हमने ये उठाया किसानों का, जो लास्ट सेशन में भी किसानों के मुद्दे पर हमारे पार्लियामेंट में बिट्टू साहब और उनके साथी सभी लोग उठाए और राज्यसभा में हमने फिर इसको हाथ में लिया। फिर हमने ये कोशिश की कि वो जो 3 काले कानून हैं
उनको विड्रॉ करने के लिए, और जो किसान इस दिल्ली के बॉर्डर पे कम से कम 120 दिन से ज़्यादा वहाँ पर बैठा है, धूप में, बारिश में, ठंडी में, और सब घर बार छोड़ के इस एक विषय पर जो हमारा अन्नदाता सारे लोगों को अन्न देता है, उसके विषय में हम उठाएं और सरकार को घेरने की हमने पूरी कोशिश की, लेकिन सरकार के पास एक ही उत्तर हमेशा रहता है कि हम जो किए हैं किए हैं, आपको क्या कर लेना है कर लो, क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास है, और ब्रूट मेजॉरिटी जिसके पास होती है वो खासकर बीजेपी में ऐसा ही बिहेव करते हैं। इसके पहले हमारे पार्टी को भी बहुत खासा अच्छी खासी मेजॉरिटी रहने के बावजूद भी हम सबका सुनते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो जब प्रधानमंत्री थे तब सदन में बैठे रहते थे, सबकी समस्याएं सुनते थे, देश के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश उन्होंने की। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर सभी लोग चुनाव के इसमें व्यस्त हैं, वो पार्लियामेंट के तरफ झांक के भी नहीं देखे। लास्ट डे प्राइम मिनिस्टर आए, खैर वो रूटीन कोर्स में जब जनगणमन होता है और उसको अटेंड करके वो चले गए। लेकिन पार्लियामेंट को हम बुलाते हैं तो पार्लियामेंट में बैठ के समस्याओं को सुलझाने के लिए पार्लियामेंट बुलाया जाता है। लोगों से हम इलेक्ट होके आते हैं, चुन के आते हैं, नहीं तो पार्लियामेंट बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। जब हम समस्या उठाते हैं तो वो कहते हैं कि आप गड़बड़ करते हो, हम जब बहस करने को शुरू करते हैं तो सरकार के जो निर्णय लेने वाले लोग होते हैं वो कोई वहाँ पर नहीं रहता। तो ये मुद्दे को भी हमने छेड़ा और उसकी भी बड़ी कोशिश की हमने। फिर तीसरा, आपको सभी को मालूम है एससी एसटी का जो ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो शेड्यूल लिस्ट में 7 कम्युनिटीज हमारे तमिलनाडु के देवकुलम, वेल्लोर, ऐसा कुछ उसका 7 कम्युनिटी को जोड़ के उसको एक ही कम्युनिटी का नाम देने का वो लाए थे, लेकिन वो कम से कम मोदी जी के पास 6 साल से पड़ा हुआ था। लेकिन अब चुनाव है तमिलनाडु के, तब उन्होंने ला के परसों पास कर लिया। ठीक है, हम तो उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि हम भी ये चाहते थे कि जो शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए उपयोगी होता है, अच्छा होता है, सिर्फ एक ही नाम देने से अगर समस्याएं सुलझाते हैं तो हम तो उसको सपोर्ट किए, हमारे लोग पूरे सपोर्ट किए। फिर FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और निजीकरण का भी हम जम के विरोध किया, क्योंकि FDI के नाम पर जो देश में पैसा आना था, इन्वेस्टमेंट आना था, वही दिख रहा नहीं। लेकिन इसका भी हमने उनको जिक्र किया। फिर उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं, खास करके जो छोटे मोटे, अब तो रेलवे की प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही,
इंश्योरेंस में तो वो प्राइवेट इंश्योरेंस में तो 74% लाने की बात किए और कानून भी पास कर लिए, और दूसरे जो है यानी किसी चीज़ में वो प्राइवेटाइजेशन करने को डर रहे नहीं, तो चाहे वो इंस्टीट्यूशंस फायदे में हो, नुकसान में है तो बात और है, जो जो फायदे में है उनको भी उन्हों प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ताकि अगर वो पब्लिक सेक्टर यूनिट रहे उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सब नया और एक 10% ऐड हुआ है, इन सबको फायदा होता है, तो इसलिए वो इनडायरेक्टली इनके एम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये साजिश रची है, एक के बाद एक वो निजीकरण कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हम आपसे मिले थे और अपनी बात को रखे हैं। फिर दूसरा जो NCT, आपको सभी को मालूम है, इसके लिए तो हम अपनी बात को रखे वहाँ पर, और हमारी पार्टी को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाने के लिए हमने एक पहले से, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो BJP की पार्टी दिल्ली को फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड बनाना चाहते थे, उनके इलेक्शन के मैनिफेस्टो में जब कभी इलेक्शन हुआ यहाँ पर, तब हमेशा वो बोलते रहे, और ख़ास करके मैं कहूँगा 20th December 1991 में खुद लोकसभा में हमारा LK आडवाणी साहब ये बात कही है, आवर पार्टी इज ऑफ द व्यू दैट दिल्ली शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज्ड स्टेट, ये उनका बयान है, और बहुत सारी चीज़ें जो उनके डिबेट में लोकसभा में उन्होंने रखी है उस सबको हमने देखा, वाजपेयी साहब से लेकर आडवाणी साहब जो पहले दोनों मिलके जो निर्णय लेते थे वो होता था, उन्होंने हमेशा ये वहाँ पर ये बात रखी, लेकिन वो स्टेटहुड का तो छोड़िए, कम से कम जो पहले स्थिति थी दिल्ली नेशनल टेरिटोरियल एक्ट का, वो जो पहले उसमें प्राविधान था आर्टिकल 263 जो आर्टिकल के तहत 263AA, तो उसके तहत जो हकूक दिल्ली गवर्नमेंट को दिए गए थे, यहाँ के असेंबली को दिए गए थे, उसमें उसको कमज़ोर करने के लिए उन्होंने ये लाया, और उसमें जो खामियाँ थी हमने कहा, यहाँ तक कि हमारे बेहतरीन से बेहतरीन नुमाइंदे अपने आर्गुमेंट को रखे, डॉक्टर सिंघवी आर्गुमेंट किए और दूसरे हमारे पार्टी के नेता लोग भी बात किए, फिर भी वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे, हमारा ये डिमांड था कि उसमें कमियां हैं, इसीलिए कृपया करके इसको आप इस जॉइंट सेलेक्ट कमेटी तो भेज नहीं सकते, सेलेक्ट कमेटी को आप रेफर कीजिए, ये हमारा ये था, लेकिन उसको भी उन्होंने नहीं माना। तो यह इसी सारी चीज़ें बहुत से हैं, जैसा माइंस एंड मिनरल में कमियां थी, उसको हमारे पार्टी के नेताओं ने खुल के बताया, फिर इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के लिए भी
हमने लड़ा। उसके अलावा भी जो डिमांड्स के ऊपर, चाहे वो जल शक्ति हो, टूरिज्म हो, रेलवे हो, इसके ऊपर भी हमने सारी चिंता जताई और सदन के सामने रखा, लेकिन ये सरकार इस किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको अहंकार है। जब आदमी उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीट जब मिले हैं तो नेचुरली खास करके बीजेपी के लोगों को यह अहंकार भरा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जनता के सामने इन मुद्दों को भी लेके हम जाएंगे आगे, जो भी हमारे पार्टी के कार्यक्रम होंगे, पर उसी रीति जनता को इन चुनाव में भी समझाने की कोशिश करेंगे। जो कुछ करना है डेमोक्रेटिक वे में, हम ये चीज़ें करेंगे। धन्यवाद।